नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं एमपी भू लेख पोर्टल के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि एमपी भू लेख पोर्टल के माध्यम से आप अपने ज़मीन का खसरा खतौनी नक्शा निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो अभी 2023 में सर्वे हुआ था, उस सर्वे के माध्यम से यहाँ पे अब आप अपना मकान, अपने घर का, प्लाट का यहाँ पर ऑनलाइन खसरा निकाल सकते हैं, जो वहाँ पर आपको पता है जैसे कि ड्रोन के माध्यम से जो सर्वे हुआ था। तो देखिए, जो इस प्रकार का जो अभी देखिए यहाँ पर अधिकार भू अभिलेख, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख, यहाँ पर जो सर्वे हुआ था उस सर्वे के माध्यम से जो आपका मकान है आवासीय क्षेत्र में अगर है तो उसके यहाँ पर देखिए जो सर्वे क्रमांक नंबर भी है, यहाँ पर खसरा नंबर है, उस माध्यम कुल क्षेत्रफल कितना है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आवासीय लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, जो भूमि स्वामी है वो आ जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार यहाँ पर आप अपनी मकान का, प्लाट का, घर का नक्शा निकाल सकते हैं, खसरा निकाल सकते हैं। तो सिंपली देखिए यहाँ पर इस पोर्टल के माध्यम से पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो कैसे आपको अपने अपने घर का खसरा नंबर निकालना है, और खसरा नंबर निकालने के बाद उसका जो खसरा है वो आप प्रिंट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को जरूर देखिए पूरा। और चैनल नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए अपडेट भी सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि जो ये एमपी भू लेख पोर्टल है, इस पोर्टल के माध्यम से पहले आप अपना खेत का खसरा नक्शा खतौनी निकालते हैं। उसके बावजूद यहाँ पर अभी जो यहाँ पर ये नया इसमें सिस्टम आया है, इसके माध्यम से आप अपने घर, मकान, प्लाट का खसरा नंबर निकाल सकते हैं, खसरा प्रिंट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर इसी के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आपका नाम, भूमि स्वामी का, प्लाट संख्या, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इस पोर्टल को लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए मतलब लॉगिन नहीं करोगे तो फिर भी चल जाएगा डायरेक्टली। देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, ये पोर्टल ओपन करना है। पोर्टल ओपन करने के लिए मैंने इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, लिंक पे से क्लिक करोगे तो पोर्टल ओपन हो जाएगा। या फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर में एमपी भू लेख लिख के सर्च करोगे, देखिए यहाँ पर एमपी भू लेख लिख के सर्च करोगे तो डायरेक्टली ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो मैंने इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, लिंक पे फिर सीधा क्लिक करोगे तो डायरेक्टली ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से पोर्टल ओपन होगा। पोर्टल ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ फर्स्ट में ही भू अभिलेख का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आबादी अधिकार अभिलेख ये वाला ऑप्शन मिला है, इसको आपको ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको इस तरीके से एक नोटिफिकेशन आएगा, जिसको आपको यस कर देना है। जैसे आप इसको यस करोगे तो यस करने के बाद देखिए यहाँ पर आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ सामान्य जानकारी डालनी होगी। देखिए यहाँ पर ये पोर्टल ओपन हो रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी सर्विस है, इसके माध्यम से आप किसी का भी मकान का खसरा नंबर निकाल सकते हैं, उनका यहाँ पर प्लाट संख्या जान सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर बहुत ही काम में आने वाली चीज़ें ये, तो आप एक बार जरूर ट्राई करिए, क्योंकि यहाँ पर ये सभी के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिए ये ओपन हो रहा है, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर कुछ पोर्टल ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको कुछ सामान्य जानकारी डालनी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको जिला सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट मिलेगा तहसील, तो जो भी आपकी तहसील है वो तहसील से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तहसील सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा गांव का, तो जो भी आपका विलेज है, आपका गांव है, वो यहाँ पर इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर लीजिए। इस लिस्ट में से आपको अपना गांव सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर नेक्स्ट मिलेगा ऑप्शन, तीन ऑप्शन मिलेंगे। देखिए यहाँ पर भू स्वामी, प्लाट संख्या, ब्लॉक संख्या, इस तरह यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलेंगे। तो तीनों में से आप किसी के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको भू स्वामी पे ही क्लिक करना है। भू स्वामी पे जैसे क्लिक करते हो तो जो आपने अपना गाँव सेलेक्ट किया है उस गाँव में कितने भू स्वामी है, उन सभी का नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर पूरी लिस्ट इस तरीके से शो हो चुकी है। तो सिंपली यहाँ पर जिस गांव आपने सिलेक्ट किया है उस गांव में कितने का यहाँ पर जो आवासीय क्षेत्र में नंबर मतलब खसरा नंबर है, उन सभी का नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी लिस्ट में अपना नाम देख लेना है, और नाम देखने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। जैसे नाम पे आप क्लिक करते हो तो नाम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्लाट संख्या दिख जाती है। देखिए यहाँ पर प्लाट संख्या आपको यहाँ पर शो हो जाएगी कि यहाँ पर इस गांव में इनके कितने प्लाट है। तो सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दो प्लाट नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको एक या दो तीन कितने भी इसमें हो सकते हैं, तो जितने भी आपके गाँव में आपके प्लाट होंगे, मकान होंगे, वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लिया हमने, सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट मिलेगा ऑप्शन कैप्चर कोड डालने का, तो यहाँ पर कैप्चर कोड डाल लीजिए। कैप्चर कोड डालने के बाद विवरण देखिए इस पर क्लिक करना है। जैसे आप विवरण देखिए इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर इस नंबर पर कुछ समस्या आ रही है, तो फिर से हम यहाँ पर ट्राई करते हैं। देखिए जैसे आप विवरण देखिए इस पर क्लिक करते हो, जैसे विवरण देखिए इस पर क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने इस तरीके से जानकारी शो हो जाएगी। देखिए यहाँ पर आपका ब्लॉक संख्या दिख जाएगा, प्लाट संख्या दिख जाएगा, और यहाँ पर प्लाट क्षेत्रफल वर्ग मीटर में यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वर्ष दिख जाएगा। उसके बाद देखिए भूमि प्रकार निजी
उसके बाद यहाँ पे देखने का ऑप्शन मिलेगा। तो ये जो आइकन मिल रहा है इस आँख वाला आइकन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने जो है यहाँ पर ये इस तरीके से आपके सामने यहाँ पर खसरा ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, यहाँ पर संभाल के रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके माध्यम से आप कोई भी काम कोई भी सर्विस में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पर आपको पूरी जानकारी इसमें समझ में आ चुकी होगी कि यहाँ पर आपको अपने मकान का अपना प्लाट का कैसे खसरा निकाल सकता है। देखिए यहाँ पर पूरी जानकारी इसमें दी गई है, अपना सरल क्रमांक नंबर, देखिए यहाँ पर सर्वेक्षण संख्या, ब्लॉक संख्या दी गई है, यहाँ पर आपका भूखंड संख्या दी गई है, सभी जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है, क्षेत्रफल यहाँ पे वर्ग मीटर में राजस्व का दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए भूमि भूमि स्वामी भूमि उपयोग के लिए निर्धारित किया गया है, आवासीय देखिए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ये जो नाम है मतलब यहाँ पे जो ये खसरा है जमीन है प्लाट है उसमें यहाँ पर कितने नाम है वो यहाँ पे शो हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर दो नाम है, जितने नाम होंगे उतने नाम यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर शामिल में कितने नाम है उनके। उसके बाद यहाँ पे भूमि स्वामी देखिए 1/3 कर रखा है यहाँ पर। तो जो ये प्लाट संख्या है ये प्लाट संख्या यहाँ पर 1/3 के माध्यम से इसमें दी गई है। तो सिंपल यहाँ पर तीन नाम भी शो हो रहे हैं, देखिए यहाँ पर तीन नाम शो हो चुके हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको देख लेना है कि आपके जो प्लाट संख्या है उसमें कितने नाम शो हो रहे हैं और यहाँ पर आप अपने प्लाट का मकान का यहाँ पर खसरा निकाल सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पर आपको अपने नाम के अनुसार ही निकालना है। तो आपको पूरी जानकारी इसमें समझ में आ चुकी होगी कि आपको यहाँ पर अपना जो मकान है प्लाट है उसका यहाँ पर खसरा कैसे निकालना है। जो आवासीय क्षेत्र में आपका जो सर्वे हुआ था उसके माध्यम से यहाँ पर खसरा नंबर सभी के आ चुके हैं। तो सिंपल यहाँ पर आपको पूरी जानकारी समझ में आ चुकी होगी कैसे निकालना है। तो यहाँ पर आपको इस पोर्टल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक पे क्लिक करिए, डायरेक्टली ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। और पोर्टल ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर जो मैंने आपको प्रोसेस बताई है वो प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। इस प्रोसेस के माध्यम से आप बड़े आसानी से यहाँ पर ये सभी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप पूरी जानकारी समझ में आ चुकी होगी। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे नए नए अपडेट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत।